जय हिंद दोस्तों। आज 14 नवंबर सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आर्मी मेडिकल कोर के कर्नल ने 5 मेडल जीत रचा इतिहास। बड़ी खबर है, जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का रेल रोको आंदोलन से मोदी जी खफा, नाराज हैं। ओआरओपी 2 की तीसरी किस्त नहीं मिली है, इसके लिए एसबीआई ने एक लेटर भेजा है। इस पर पेंशनर्स और एसबीआई वालों के लिए ओआरओपी की अगर तीसरी किस्त नहीं मिली है तो उनके लिए बड़ी खबर है। पोस्ट 2006 पेंशनर्स को एमएससीपी का लाभ पूरा दिया जाएगा। जो भी पोस्ट 2006 के पेंशनर्स हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पीसीडी ने एक लेटर भेजा है, उसके बारे में बात करेंगे। ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला है तो क्या करना होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको आज दोपहर या शाम को आपको आज मिल जाएगी। कैसे आपको ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला है तो क्या करना होगा, किससे बात करनी होगी, कैसे आपका एरियर आएगा, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्व सैनिकों के लिए 18 और 25 नवंबर को डेड स्पर्स सेंटर खोला गया है। इस पर बड़ी अपडेट है, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 10वीं पास भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40,000 की सैलरी वाली नौकरी निकली हुई है। तो सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं। आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने इतिहास रचा है। और बता दें ये इतिहास रचा है, 5 गोल्ड मेडल 42 वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स में इन्होंने जीता है कोलंबिया में, और ये बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया है। बता दें 5 मेडल एक ही सीरीज में जीतना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी अपडेट है, पीएम मोदी हर साल दिवाली में जाते हैं, सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पूर्व सैनिक काफी दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी आप नेपाल इजराइल के साथ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन देश के पूर्व सैनिकों सैनिक जो है पिछले 10 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कब खड़े होंगे। 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन करेंगे, फिर आप कहेंगे कि यह देशद्रोही हैं। तो बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम रेल रोकेंगे, बाद में कहोगे कि ये देशद्रोही हैं, रेल रोक रहे हैं, हमारी अभी तक बात नहीं सुन रहे हो, बाद में कहोगे कि ये देशद्रोही है। तो बहुत बड़ी बात कही गई है सैनिकों द्वारा। एक एसबीआई ने लेटर जारी किया है, और ये लेटर है, अगर आपको स्पर्श या पेंशनर्स को पेमेंट नहीं हुआ है, जो भी बैंक पेंशनर्स हो या स्पर्श पेंशनर्स, तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इश्यू की है एसबीआई ने एक पेंशनर्स को। और क्यों इशू की गई है, क्योंकि इनको एरियर नहीं मिला है अभी तक, उसके बाद इन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी। और वो कंप्लेंट कैसे डाली जाती है, आपको अगर ओआरओपी का एरियर नहीं मिला है वो कंप्लेंट कैसे डाली जाती है, उसके लिए मैं आज शाम को एक वीडियो बना दूंगा, वो जरूर वीडियो देख लें, क्योंकि वो आपकी किसी भी तरह की पेमेंट से संबंधित क्वायरी है तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे, क्या उनसे कहेंगे, कैसे आपको वो फॉर्म भरना होगा, इसका मैं डिटेल वीडियो एक बना दूंगा। जो भी माइग्रेट हो गए पेंशनर्स उनके लिए भी है, और जो माइग्रेट नहीं हुए हैं उनके लिए है। ये लेटर भेजा गया है, एक रिटायर्ड हैं जो कि एक्स नायक हैं, वो खत्म, उनकी डेथ हो गई है, अब उनकी वाइफ को वो पेंशन मिल रही है, तो उनको जो एरियर है 3,73,000 का एरियर नहीं मिला है, उसके बाद ये लेटर जारी हुआ है, और इनको पीसीडीए को कह दिया है कि इनका एरियर तुरंत रिलीज किया जाए। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट से, एक और पेंशनर्स है जिनको एमएससीपी 2006 के बाद रिटायर है, अगर एमएससीपी का लाभ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आज एक दोपहर में वीडियो बनाऊंगा, जरूर देख लें। इनकी जो सर्विस पेंशन है 18,807 है। ये सिपाही भीम सेन है जो कि एसीपी 1 ले रहे हैं, और इनको नायक के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि 20,000 या 21,000 के आसपास बन रही है। मैं दिखा देता हूं कितनी बन रही है इनकी पेंशन, वो मैं आपको आप बता दूं, 20,107 रुपए इनकी पेंशन बननी थी, लेकिन उनकी वही पुरानी पेंशन चल रही है जो कि पहले चल रही थी, वो पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं। आप देख सकते हैं 18,807 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन उनको, 5,643 रुपए डीआर अमाउंट, 10,269 रुपए,
और टोटल पेंशन उनकी 34,719 रुपए बन रही है, जो कि काफी कम है। इनको 2008 से आसपास से इनको एरियर मिलना है और इनका एरियर लगभग 3 लाख या 2.5 लाख के बीच में होगा। आपको मैं बता दूं कि ऐसा अगर किसी के पास केस है जिसकी पेंशन से संबंधित कोई शिकायत है तो आप जरूर कमेंट करें। मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कैसे आपका जो एरियर है वो कैसे मिलेगा, कैसे आपको कंप्लेन देनी है पीसीडीए ने, पीसीडीए में, स्पर्श में। तो पहले तो कंप्लेन इन्होंने दी है, आप देख सकते हैं सीपी ग्राम में दी है। सीपी ग्राम में जब कंप्लेन दी उसके बाद एक लेटर आया है, ये लेटर आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं, ये महार रिकॉर्ड के हैं और उन्होंने लेटर भेजा इनको। और इनकी जो पेंशन थी वो इसमें ये कहा गया इनका फुल एरियर जो डिसेबिलिटी पेंशन है 6,033 किया जाए, जो कि 5,000 है, और जो इनकी बेसिक है 20,107 की जाए, जो कि 18,000 के आसपास आ रही है। तो इन्होंने 15 साल 5 महीने सर्विस की है और जो 2008 के रिटायरमेंट है। अब इनको लेटर भी आ गया है, लेकिन लेटर आने के बाद भी अगर नहीं आ रही है तो आपको कहां कंप्लेन देनी है, किससे बात करनी है, उसका मैं आज दोपहर में वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देख लें, ऐसे जो भी दिक्कत वाले पर्सन हैं। बात कर लेते हैं, एक और बड़ी अपडेट है, स्पर्श अब डीएडी सर्विस सेंटर खोल रहा है, जो कि 4 और 5 नवंबर को खोले गए थे, 18 और 25 नवंबर को फिर खोले जाएंगे, जिसमें जिनकी भी स्पर्श से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान करा सकते हैं, जिसका मैं 18 तारीख से पहले पहले आपको उसका भी अपडेट दे देंगे। बात कर लेते हैं जॉब से, लेटेस्ट अपडेट है, ये जॉब की जो लेटेस्ट अपडेट है समरथ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है और सिमरन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट की तरफ से है। और ये बता दें कि ये जो वैकेंसी है 4 राइफल मैन जरूरत है, जो कि बिहार पटना में जॉब लोकेशन रहेगा, सैलरी रहेगी 40,000 और 38,000, दो तरीके की है जॉब, तो 40,000 एक में है, एक में 38,000 है। हाइट 5 फुट 10 इंच होनी चाहिए, 44 साल से ज्यादा एक्स सर्विस में नहीं होनी चाहिए, जो कि रिटायर्ड सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बता दें 3 बाउंसर की भी जरूरत है, जो भी बाउंसर के लिए इसमें वही एलिजिबल है जो 6 फीट जिसकी हाइट होनी चाहिए, वेट 90 kg से ऊपर होना चाहिए, बाइसेप्स 17 होने चाहिए और बता दें एज लिमिट 30 साल के आसपास होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्टेक्ट नंबर है जो भी समरथ सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं। इसके बाद सिमरन सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड की वैकेंसी है, इसमें बता दें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 6 राइफलमैन पर्सन, जो भी पटना बिहार में जॉब लोकेशन है, बता दें 32,000 सैलरी रहेगी, 4 छुट्टी मिलेंगी। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर ये दिया हुआ है, जो भी दोनों जॉब के लिए बिहार पटना की हैं, जो भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर लें। बता दें इसमें 3,000 रुपए आपका जो रजिस्ट्रेशन और ड्रेस का लगेगा, जब आप भर्ती हो जाएंगे तभी आपको देना है, उसके पहले आपको नहीं देना है। तो जब भर्ती हो जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी, इसके बाद ही देना है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।